गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, दिस वीडियो इज ऑल अबाउट क्लास फर्स्ट। बेटा क्लास फर्स्ट आपका कंप्यूटर में, आज हम चैप्टर फर्स्ट ही आपको बता रहे हैं। नाउ चैप्टर फर्स्ट में आज हम बताएंगे हाउ डू मशीन वर्क, यानी मशीनें कैसे काम करती हैं। क्योंकि आप देख रहे हैं फ्रिज है, मोबाइल है और ये रेफ्रिजरेटर है, ये सारी चीज़ें आपकी क्या है, मशीन है, स्विंग मशीन है, ये सारी चीज़ें आपकी मशीन होती हैं। तो आज हम बताएंगे सम मशीन वर्क ऑन इलेक्ट्रिसिटी, फॉर एग्ज़ाम्पल फैन, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन ETC। यानी कुछ मशीनें किसके थ्रू चलती हैं, इलेक्ट्रिसिटी यानी बिजली के थ्रू चलती हैं। जैसे उदाहरण के लिए, जैसे देखिए फैन, फैन मीन्स पंखा हो गया आपका, रेफ्रिजरेटर यानी आपकी ये क्या है, रेफ्रिजरेटर जो आपकी जो फ्रिज होती है इसको हम लोग रेफ्रिजरेटर बोलते हैं, वॉशिंग मशीन यानी आपकी वॉशिंग मशीन आदि हो गए। फिर सम मशीन्स वर्क विद द हेल्प ऑफ ह्यूमन बीइंग, फॉर एग्जांपल बाइसिकल, स्विंग मशीन, सीजर ETC। कुछ मशीनें इंसानों की मदद से चलती हैं, इंसानों की मदद से यानी जब इंसान उसको चलाता है तभी वो चलती हैं, अदरवाइज अपने से थोड़ी चलेंगी वो। तो जैसे कुछ मशीनें जो क्या है, इंसानों की मदद से काम करती हैं, उदाहरण के लिए जैसे बाइसिकल, साइकिल, आप पैडल मारेंगे तभी वो आगे बढ़ेगी, नहीं तो वो नहीं बढ़ेगी। स्विंग मशीन यानी सिलाई मशीन, जब भी आप कोई कपड़ा सिलते हो तब आपको उसके हैंडल को घुमाना पड़ता है तभी वो वर्क करेगा। सीज़र यानी कैंची, कैंची का उपयोग भी जब तक हम अपने दोनों उंगलियों का उपयोग करके उसको कोई भी कपड़ा काटेंगे नहीं तब तक वो चलेगी नहीं। तो वो किसकी ताकत से थे, बिजली से तो नहीं चल रही है, वो इंसान की मदद यानी ह्यूमंस, जो हमारा इंसान की ताकत है उसमें लग रही है तब वो वर्क करता है। तो ये सारी चीज़ें हैं, कुछ मशीनें जो बिजली के थ्रू चलती हैं, कुछ मशीनें जो इंसानों की मदद से काम करती हैं। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू स्टूडेंट्स।